दोस्तों जय श्री राम। होमवती ब्लॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बनाएंगे आएंगे खोए के समोसे। भूसे तो आलू के खाते हैं, वैसे हम खोए के बनाएंगे। हमने लिए एक कटोरी मैदा, एक कटोरी मैदा ली मैंने, और इसमें डालेंगे घी मोरन के लिए। अब इसका लगाएंगे डो मैदा का। दोस्तों मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ रही हूँ। मैं अब फिर आगे की तैयारी करते हैं। दोस्तों मैं रख रही कढ़ाई और गैस चालू करती हूँ। जो ये काजू और ये बादाम, इनको करेंगे फ्राई ताकि क्रंचीपन रहे इसके अंदर। तो खाने इसमें डालते थोड़ा घी इनको तलने के लिए। इसमें डाल रहे बादाम, एक काजू, इसमें डाल दिए काजू और बादाम। ये दोनों चीज डाल दी मैंने, काजू और बादाम। इनको करेंगे फ्राई। इनको करेंगे हल्की फ्राई, ज्यादा वो नहीं करना इसको, लाल हल्की करेंगे। निकाल रही हूँ मैं काजू, जो बादाम मैंने फ्राई करी थी, क्योंकि ज्यादा लाल करने से फिर कड़वापन आता ना। किशमिश जो मैंने काटी थी, इनको आधी आधी करी थी मैंने, उनको हल्की सी फ्राई करना। अब निकाल लेती हूँ मैं, हो गई फ्राई, ज्यादा नहीं करना। लेती गोला जो मैंने घिया कसमें करी थी, उसको भी हल्का सा कर लेते हैं। अब निकाल लेते गोले को भी। खोए को भी कद्दूकस में घिस लेते इसको, ताकि फ्राई करने में आसानी रहे। हमने कर लिए कद्दूकस, अभी आसानी रहेगी तवे इसको भूनने के अंदर। नहीं तो गुठले रहते, फिर वो जमा हुआ रहता फ्रिज का, तो देर लगती। अब डाल देते हैं इसको खोए को भूनने के लिए। अब हमने खोया कर ली, भून लिए खोए को। अब करती गैस बंद में, फिर इसको ठंडा करेंगे, फिर बनाएंगे इसका मसाला। डाल लेते क्योंकि जलने का भी डर रहा था। अब इनको छोटे छोटे काट लेते हैं इस तरीके से, सारे काट लूंगी। अब इसी सामान के अंदर हम डाल रहे खोया,
इसमें डाल रही हूँ बूरा ताकि मीठा करने के लिए। अब कर दे इसको मिक्स। अब इसमें डाल देते इलायची पाउडर, क्योंकि मैंने दरदरी सी कूटी थी, ज़्यादा बारीक नहीं करी। मैंने रख दी कढ़ाई, इसके अंदर डाल दी तेल। अभी तेल गर्म हो गया जितना हम ये बना रहे थे। इस तरीके से बनाना दोस्तों सब मीठे वाले छोटे छोटे। दोस्तों हमने इस तरीके से बनाए समोसे, और कुछ कचौरी की तरह मावा वाला ही इस तरीके से बनाए मावा के। अब ये रहा हमारा लास्ट। अब कर रहे फ्राई हमारे मावा वाले समोसे की। अब इनको निकाल रहे थे हमारे समोसे फ्राई हो गए।
मावा वाले। अब डाल देते कचौड़ी मावा वाली। दोस्तों हमारे मावा वाले समोसे और कचौरी तैयार हो गई। YouTube फैमिली आप भी आ जाइए। दोस्तों देखिए मावा भरे हुए, ये देखिए अंदर बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए। दोस्तों आपको हमारी स्वीट रेसिपी अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।